गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम है वल्केनो और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोसर्जिकल टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, जो कि हम शॉर्ट में MT से बोलते हैं। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद ये कैसे किया जाता है प्रोसेस, और उसके बाद थर्ड है व्हाट एम्ब्रियोलॉजिस्ट डू, एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या करता है लैब में। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। माइक्रोसर्जिकल टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन MT से ये माइक्रोसर्जिकल टेस्टिकुलर बायोप्सी होती है, जिसमें कि हम टेस्टिकुलर टिश्यूज से डायरेक्टली हम स्पर्म निकालते हैं मैन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। और अगर मैन कुछ उनके स्पर्म्स नेचुरली हेल्दी स्पर्म्स नहीं बनते हैं या फिर उन्हें रिलीज होने में प्रॉब्लम होती है, तो ये मेडिकल प्रोसीजर है जो डॉक्टर रिकमेंड करता है उनके फर्टिलिटी रीजंस के बिहाइंड। जो टेस्टिकुलर टिश्यूज रहते हैं वो 2 टेस्टीज में फाउंड होते हैं, जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, और जो टेस्टिस रहती है वो स्क्रॉटम के अंदर पाई जाती है। और ये स्क्रॉटम क्या होता है, स्क्रॉटम एक छोटा सैक बोले तो एक छोटी सी बोरी जैसा होता है, जो कि पेनिस के नीचे की साइड प्रेजेंट होता है। तो जो मेन गोल है माइक्रो-TC प्रोसीजर का, वो है कि हमें अच्छे से अच्छे बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म्स मिले और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म्स मिले, जिससे कि हम वुमेन के एग्स को फर्टिलाइज कर सकें और इनका जो मैन का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है उसे कम से कम डैमेज हो। तो और जब ये माइक्रो टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन हमें क्यों नेसेसरी रहता है, क्योंकि अगर जब मैन अपने इजीली स्पर्म्स नहीं बना पाता है, और जिन जो पर्सन इनफर्टाइल होता है और उनके इजेक्यूलेशन में सीमेन में एक भी स्पर्म्स नहीं दिखता है, तो उस प्रोसीजर में हम लोग ये माइक्रो-TC से रिकमेंड करते हैं। इसमें सबसे पहले टीसा होता है, फिर टीसे होता है। टीसा में अगर नहीं मिलता है तो हम उसे टीसे के लिए बोलते हैं, अगर टीसे में भी नहीं होता है तो इनका MTSA होता है। और जिन जिन पर्सन्स में स्पर्म्स उनके सीमेन में स्पर्म्स नहीं मिलते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम एजोस्पोमिया। नेक्स्ट आता है MTSA कैसे किया जाता है। तो जो यूरोलॉजिस्ट रहता है, यूरोलॉजिस्ट कौन होता है, जो डॉक्टर जो स्पेशलाइज होता है मेल और फीमेल के यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जो कि परफॉर्म करता है ये प्रोसीजर, जिसमें कि हम स्मॉल कट लगाते हैं टेस्टिकल्स में और उसमें से हम कुछ अमाउंट में टिश्यूज निकालते हैं। जब हम टिश्यूज निकाल देते हैं बॉडी से, तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करने के लिए IVF लैब में जाता है, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग्जामिन करता है, जिन्हें अच्छे से टीज करके उनके टिश्यूज को बिल्कुल सेपरेट करके स्पर्म्स को फाइंड आउट करता है। और अगर जब स्पर्म्स मिल जाते हैं तो वो हम उसे डायरेक्ट यूज करते हैं प्रोसेसिंग करके एग को फर्टिलाइज करने के लिए। और जो स्पर्म सेल्स रहती है वो फ्रोजन भी कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं, जो कि हम बाद में लेटर टाइम अगर इन फ्यूचर हमें कुछ यूज़ करना होता है, अगर उस पेशेंट को उनका सैंपल फिर से, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोसीजर यूजुअली परफॉर्म होता है एक OT में, जिसमें कि पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया के अंदर परफॉर्म किया जाता है। एक सिंगल छोटा सा कट लगाया जाता है स्क्रॉटम के सेंटर में, और फिर माइक्रोस्कोप में देखकर हमें जो भी फाइन ट्यूब्यूल्स होती है टेस्टीज में, तो वो निकालनी होती है, जिसमें कि हमें स्पर्म्स मिलते हैं। और ये जो भी होता है वो उसमें परफॉर्म होने के बाद हमें उसको स्टिच करना होता है, जिससे कि वो अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं स्टिचेस रिकवर होने के बाद। तो उसके बाद पेशेंट अपने आप मतलब ईजिली जा सकता है उनके घर प्रोसीजर होने के बाद, और वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो रहती है वो कर सकता है। तो इसमें इस फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ से इसमें से वो थोड़ा सा टिश्यू निकाला है, और फिर एक डिश में जिसमें कि फ्लशिंग मीडिया कंटेन रहता है, इसमें रहता है फ्लशिंग मीडिया हाँ, का हम बेसिकली वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग फ्लशिंग मीडिया देते हैं डिश में, फ्लशिंग मीडिया, तो इसमें हम टिश्यूज देते हैं, और फिर वो टिश्यूज जाता है IVF लैब में,
जो कि आप नीचे देख सकते हैं, और फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर देख के उन्हें टीज करता है और फिर स्पर्म्स को फाइंड आउट करता है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के अंदर, जो कि ये इसमें बता रखा है इस पिक्चर में। तो फिर जब पूरा प्रोसीजर हो जाता है, टिश्यूज निकल जाते हैं, तो IVF लैब में जाता है। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या करते हैं IVF लैब में, जब ये टिश्यूज लैब में देते हैं हम तक, तो ये टिश्यूज सेंट्रल वेल में प्रेजेंट होते हैं फ्लशिंग मीडिया के अंदर। जैसा कि इस सेंट्रल वेल में आप देख सकते हैं, ये टिश्यूज स्टीरियोसोम माइक्रोस्कोप के अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट दिखते हैं, और उसके बाद इन्हें बीडी सिरिंज की नीडल को बेंड करके उन्हें टीज करते हैं। बीडी सिरिंज की नीडल को हमें एल शेप में बेंड करना होता है, और इसमें दो बीडी सिरिंज का यूज़ किया जाता है। ये दो बीडी सिरिंज हैं, इन दोनों को बेंड करके जो डिश रहती है, इसमें हम प्लेन मेल डिश का यूज़ करते हैं टीजिंग के टाइम, और इसमें जो टिश्यूज रहते हैं उन्हें हम इस बीडी सिरिंज के थ्रू टीज करते हैं, और टीजिंग होने के बाद क्लियरली ये टिश्यू सेपरेटेड दिखते हैं, और इन्हें हमें इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जिसमें कि हमें स्पर्म्स इजीली देखने को फाइंड आउट मिलते हैं। और ये जो टीसा, टी से, एम टी से, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे पीसा, तो ये बेसिकली सारे सेम प्रोसीजर से, इनकी प्रोसेसिंग सेम रहती है, बस जो टेक्निक होती है तो उसमें डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो इनका अलग से, मतलब डिफरेंट टाइप से इनकी टेक्निक्स रहती है, कि किसी में टेस्ट, जैसे कि टीसा में हम लोग नेगेटिव प्रेशर से एस्पिरेट करते हैं, टीसे में हम टिश्यूज निकाल के देते हैं, और एमटीसी में भी हम लोग टिश्यूज निकालते हैं टेस्टिकुलर ट्यूबुल से। तो ये सब बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंस रहता है, अदरवाइज जो इनकी प्रोसेसिंग रहती है वो बिल्कुल सेम रहती है। और फिर हम इनके जो सैंपल्स रहते हैं वो हम लोग फ्रीज करते हैं, ताकि हम अगर पेशेंट को इन फ्यूचर फिर से यूज़ करना हो उनकी वुमेन को एग्स फर्टिलाइज कराने के लिए, तो हम लोग वो सैंपल फिर से थॉ करके यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू।